ओम नमः शिवाय। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए करें ये शक्तिशाली विधि। इस विधि को करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो भी अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करने के बाद आप जो आपके कार्य में बाधाएं आ रही थी, जो भी रुकावटें आ रही थी, वे रुकावटें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। या आपके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा रहता है या उनके इलाज के लिए आपने बहुत से हॉस्पिटलों में दवाइयां भी ली और उनका इलाज भी कराया, परंतु उनको बिल्कुल भी दवा नहीं लग रही है, बिल्कुल भी दवा असर नहीं कर रही है। या आपने जो दुकान खोली हुई है उसमें बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। आपने पूजा पाठ भी कराई, पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कराने के बाद भी आपकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही है, विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, जो भी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं बहुत लंबे समय से और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप ये 14 अक्टूबर के दिन जरूर करें। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। केवल ये दो कार्य आपने करने हैं 14 अक्टूबर के दिन, और ये करने के बाद चमत्कार देखें किस प्रकार से जो भी आपके कार्य में रुकावट आ रही थी वे सभी रुकावटें बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, और किस प्रकार से आपके सभी बिगड़े हुए काम, जो रुकावटें आ रही थी, वे सभी बहुत जल्द जल्द ठीक होंगे। सभी साधक साध्वी इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत से आप जैसे साधक साध्वी ऐसे हैं जिनके ऐसे ऐसे कार्य जो वे पूर्ण करना चाहते हैं, परंतु उनके पितृ प्रसन्न ना होने के कारण उनके कार्य में रुकावटें आ रही हैं। यदि आपके एक शेयर करने से उनके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और उनका भला होता है, तो आपके जो कार्य रुक रहे हैं आपके एक शेयर करने से उनके कार्य में उनको सफलता मिलने से आपके कार्य में भी आपको बहुत ही जल्द सफलता मिलेगी। क्योंकि जो पितृ होते हैं उनको प्रसन्न करना, आपके पितृ यदि हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं, आपसे खुश रहते हैं, तो जो भी आपके कार्य में रुकावटें आ रही होंगी या आने वाली होंगी वे रुकावटें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इसीलिए आप अपने देवी देवताओं के साथ अपने पितरों को भी प्रसन्न रखें और इनका चमत्कार देखें किस प्रकार से वे हर एक कदम कदम पर आपकी मदद करेंगे। जो भी कार्य ऐसा हो जो आपको लग रहा हो कि ये कार्य थोड़ा मुश्किल है, उस मुश्किल कार्य को किस प्रकार से वे आसान कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, तो आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए छोटी सी विधि जरूर करें, ये दो कार्य जरूर करें। जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी जरूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे, और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको इस विधि में क्या करना है, क्या ऐसा दो कार्य करें 14 अक्टूबर के दिन जिससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न हों और आपके आने वाले कार्य में या जो कार्य रुके हुए उनको पूर्ण कर सकें, उनमें आपकी मदद कर सकें और कदम कदम पर आपके साथ रहें, और जब भी आप कहीं पर ऐसे अच्छे कार्य के लिए जाते हैं या जो कोर्ट कचहरी के केस होते हैं, जो रुकावटें आ रही हैं जिसको आप जल्द ही जीतना चाहते हैं, तो आप अपने पितरों को निमंत्रण देकर अपने साथ चलने के लिए बोले और उसके बाद आप उस कार्य के लिए जाएं। तो आपने इस विधि में क्या करना है, आपने 14 अक्टूबर के दिन पहले स्नान आदि करने के बाद एक लोटा स्वच्छ जल इस प्रकार से आप ले लें, और इस जल में आपने क्या करना है, जो चावल होते हैं साफ चावल लेने हैं, साबुत चावल लेने हैं, चावल बिल्कुल भी टूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल लेने हैं, और उन चावल को आपने क्या करना है, जो ये लोटा है इस लोटे के अंदर आपने डाल लेने हैं। डालने के बाद इस एक लोटे जल को आपने सूर्य देव को आपने चढ़ाना है, और ध्यान रहे नीचे से
चढ़ाना शुरू करना है जल को, और अपने सर से ऊपर तक आप इसकी धार लंबी करके आप नीचे सूर्य देव को जल चढ़ाएं। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो स्नान आदि करने के बाद जब आप रोटी बना रहे हो, रोटी बनाते हुए आपने क्या करना है, 3 रोटी आपने, पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, तीसरी रोटी आपने कौवे की निकालनी है। और इन 3 रोटियों को आपने गाय को, कुत्ते को और कौवे को खिलाना है। कैसे खिलाना है, थोड़ा सा दूध किसी भी पात्र में ले लें, और उस पात्र में आपने इस एक रोटी गाय के लिए बनाई है तो आपने एक पात्र में गाय की रोटी को चूर लेना है दूध के अंदर, और उसके बाद जो कुत्ते को देनी है तो उसको भी आप एक पात्र में दूध लेकर इस रोटी को आपने चूर लेना है, रोटी को तोड़कर दूध में डाल लेना है। और उसके बाद आप कौवे के लिए निकालते हैं तो आपने एक पात्र में दूध लेना है, और ध्यान रहे दूध आपने उबला हुआ लेना है, कच्चे दूध का प्रयोग नहीं करना है। दूध के अंदर रोटी को तोड़ लेना है, चूर लेना है। चूरने के बाद आपने जिस पात्र में आपने गाय के लिए खाना निकाला था वो आप गाय को दे दे, कुत्ते के लिए निकाला था वो आप कुत्ते को दे दे, और जो कौवे के लिए निकाला था वो आप कौवे के दे दें। ये 2 छोटे से कार्य करने से आपके बहुत बड़े बड़े कार्य पूर्ण होंगे, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये छोटी सी विधि जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही सरल सरल और बहुत ही चमत्कारी विधियाँ लेकर आते हैं, जिसके प्रयोग करने से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। छोटी सी विधि होती है और बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से करें, और जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो वे महिलाएं ना करें, अपने परिवार के किसी भी सदस्य से आप इस विधि को करवा सकते हैं। 14 अक्टूबर के दिन की हुई ये विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होती है, और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। यदि आप भी अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, या आपके पर आप किसी और को भी इस विधि को शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वे भी अपने पितरों को प्रसन्न करके उनके कार्य में आ रहे रुकावटों को या जो भी परेशानियां हो रही हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करने के बाद वे अपने उन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी उस समस्या को ठीक कर सकते हैं। आप भी करें और दूसरों को भी शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या से संबंधित जो भी सरल से सरल विधियाँ होंगी वे सभी आपको जरूर बताई जाएंगी। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार केवल 14 अक्टूबर के दिन करें ये 2 विधियाँ, और इन 2 विधियों के प्रयोग से आप अपने पितरों को बहुत ही जल्द प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भी भूल हो गई हो तो आप प्रार्थना करें अपने पितरों से, जो ये 2 कार्य करने के बाद जो भी आप प्रार्थना करेंगे आपके पितर आपकी सहायता जरूर करेंगे, आपके हर एक कार्य में आपकी मदद जरूर करेंगे।